हाय दोस्तों, नेक्स्ट लाइन में आपका फिर से स्वागत है। पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि लाइट एंड डार्क कैसे करना है, लेकिन आज मैं फिर बताऊंगा लाइट एंड डार्क जो है। ये तो हमने बताया था कि एडिशनल इसको दबाने से यहाँ एडजस्ट स्क्रीनिंग में जा करके और एक्सपोजर में जा करके यहाँ से लाइट एंड डार्क करना है। ये तो हो गया बाहर से जो आप ब्लैक और लाइट एंड डार्क कर सकते हैं, लेकिन आपको जाना कहाँ है, अब अंदर से करना है फंक्शन में जा कर के। तो फंक्शन में जा कर के कैसे करना है वो मैं तो बताऊंगा आपको। इसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको एडिशनल और टू एंड एट वन टाइम प्रेस करना होगा और अगेन एडिशनल फंक्शन प्रेस करना होगा और आपका जो है ऑप्शन खुल जाएगा, फाइल खुल जाएगा, उसके अंदर जाके करना है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, वन टू एडिशनल फंक्शन, ये देखिए ये ऑप्शन आ गया सर्विस मोड। सर्विस मोड में आप चले गए, यहाँ जाने के बाद कॉपियर में जाना है, ऊपर कॉपियर में चले गए, ऊपर देख रहे हैं आप ये सारा फंक्शन है, तो ये आपको एडजस्ट में जाना है। ये देखिए ये सारा ये फंक्शन आ गया। अब इसमें क्या है, ये डेवलप देख रहे हैं नीचे, डेवलप में जाना है। ये देखिए यहाँ 80 किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है आप इसको कम बेस करेंगे तो यहाँ प्रेस करना होगा, ये देखिए प्रेस हो गया। आप ये बटन से आप एडजस्ट कर लेंगे, बटन से जो है यहाँ 80 है। अगर पेज एकदम ब्लैक आ रहा है पूरा पेज, ये बैकग्राउंड के लिए होता है, इसमें बैकग्राउंड कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए होता है। अगर बैकग्राउंड पेज का अगर काला आ रहा है तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप ये हमने 50 कर दिया, अगर ओके कर देंगे, देखिए 50 हो गया, पहले यहाँ पे 80 था और अब 50 हो गया। तो इससे क्या है, आपका पेज अगर ब्लैक हो रहा है तो वो ब्लैक हट जाएगा। तो दोस्तों मेरे में तो 80 में सही आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 80 कर देंगे, 80 हो गया और यहाँ ओके का बटन है, ओके कर देंगे, यहाँ रीसेट है फिर इसको रीसेट कर देंगे, वापस अपनी जगह पर आ गया। तो दोस्तों ये सुझाव कैसा लगा, अगर ये सही लगा तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, नेक्स्ट लाइन को। सी समथिंग नेक्स्ट, सी समथिंग न्यू।